नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब देश में राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। जो भी छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में कुछ भी राजनीतिक गतिविधि हो रही है, उसका डायरेक्ट असर 2024 में आने वाले लोकसभा के आम चुनाव में पड़ेगा। और इसके लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी अपनी कवायद तेज कर दी है कि विपक्षी एकता हो, विपक्ष के वोट ना बिखरें। और इसमें जो सबसे अग्रणी भूमिका में है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी शायद एक वो रोल भी करना चाह रहे हैं जिसमें एक स्टेट्समैन का, एक सबसे अनुभवी राजनीतिज्ञ के रूप में भी वो ये रोल बखूबी निभा रहे हैं। नीतीश कुमार साहब जब से बीजेपी से बाहर निकल के वो वापस बिहार में उन्होंने लालू जी के साथ मिलकर सरकार बनाई, कांग्रेस के साथ और सारे ऑपोजिशन साथ मिलकर, तब से वो लगातार एक्टिव हैं विपक्षी एकता के लिए। वो कई राउंड कई लोगों से मिल चुके हैं। कांग्रेस से वो पहले मिले, फिर उन्होंने कांग्रेस से उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिससे कांग्रेस डायरेक्ट बात करने में दिक्कत हो रही थी। अरविंद केजरीवाल साहब, हमारे अखिलेश यादव साहब, ममता बनर्जी जी, चंद्रशेखर राव साहब, बीजू जनता दल, वाईएसआर, मतलब इस तरह से सब लोगों से उन्होंने बातचीत, उन लोगों से, उन छः लोगों से जिनको डायरेक्ट बात करने में थोड़ी दिक्कत थी। 22 मई को उन्होंने दिल्ली में खड़गे साहब और राहुल गांधी से एक लंबी मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने बाहर निकल के प्रेस में कहा कि हम एक दो दिन में हमारी जो एक नेशनल कॉन्क्लेव कह लीजिए या राष्ट्रीय, सारी विपक्षी पार्टियों का एक राष्ट्रीय मीटिंग, कॉन्क्लेव, जो भी उसका नाम है, वो हम जल्दी अनाउंस करेंगे कि हम कहाँ करेंगे इसको, क्योंकि सबकी नज़र उस पर है। क्योंकि ये भी है कि उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा इत्यादि इत्यादि। छोटे मोटे जैसे कर्नाटक में इलेक्शन जीते तो कौन कौन गया, उसका बहुत माने नहीं है। ये बहुत कॉन्क्रीट विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हो रही है कि जहाँ पे 2024 का इलेक्शन डिस्कस किया जाएगा। 22 को ये कह के गए, 27-28 में उन्होंने पटना में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब 22 जून को पटना में विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग होगी। अब कुछ पार्टियों का ये कहना है कि भाई उनसे पहले बात नहीं हुई, उनसे कंसल्ट कर लिया जाता कि अगर उनको आना है कि कौन सी डेट कन्वीनियंट है, किसी का कोई ऐसा कमिटमेंट तो नहीं है इत्यादि इत्यादि, कुछ पार्टीज का ऐसा कहना है। और नीतीश कुमार जी ने बताया कि 22-12 तारीख को खड़गे जी, राहुल गांधी और डीएमके के नेता भी उपलब्ध नहीं हैं, उन्होंने कहीं और वो इंगेज हैं, प्रायर इंगेजमेंट है, उन्होंने 12 को इस मीटिंग में शामिल होने में असमर्थता दिखाई बताई है। अब नई टेंटेटिव डेट मोटे तौर पे 23 जून डिसाइड की जा रही है। नीतीश कुमार जी का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के जो नेतृत्व है उससे कहा है कि भाई आप सबसे बात कर लीजिए और टेंटेटिवली 23 तारीख की बात हो रही है। एक बात नीतीश कुमार जी ने और बहुत साफ की है और वो मेरे ख्याल में जो विपक्षी एकता की बात या विपक्षी 2024 में एक साथ कैसे इलेक्शन लड़ेंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी इसमें आए उसमें उस पार्टी के जो भी हेड हो, अगर वहाँ पे मान लीजिए ज़्यादातर जगह अध्यक्ष ही हेड होता है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में जनरल सेक्रेटरी उनके एक तरह से वर्किंग हेड होते हैं, तो जो भी उस पार्टी का हेड हो वो ज़रूर शामिल हो। ये नहीं कि हम अपने प्रतिनिधि को भेज दे रहे हैं, क्योंकि प्रतिनिधि को भेज देने से ये पता ही नहीं चल पाता है कि जो अध्यक्ष, जो मतलब पार्टी का जो सही में अध्यक्ष है वो है, उसकी मंशा क्या है। बुला लिया तो इधर भी भेज दिया उधर भी भेज दिया, तो दोनों तरफ भेज दिया, पता ही नहीं किधर है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, चुनाव में एक साल से कम बचा है, मई के महीने में, अप्रैल के अंत से लेकर मई के महीने में वोट आउट पड़ जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मार्च के समय कहीं ना कहीं मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो अगर मार्च को हम लोग ये ले रहे हैं तो अब 8-9 महीने ही बचे हैं इलेक्शन को, तो समय बहुत नहीं है। और उससे पहले ये जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको अपनी थोड़ी पोजीशन भी साफ करनी होगी। इस समय जो देश में विमर्श बन रहा है, जो नैरेटिव बन रहा है, वो ये बन रहा है कि भाई बीजेपी की एक सरकार है, विपक्ष की पार्टीज का ये कहना है कि वो सरकार बहुत लोकतांत्रिक मूल्यों का की रिस्पेक्ट नहीं करती है, विपक्ष का ये भी कहना है कि वो जो इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है सरकार चलाने के उसको वो पार्टी हित में और चुनाव हित में यूज़ करती है, जैसे ईडी, सीबीआई इत्यादि इत्यादि, और इस तरह की तमाम बातें हैं। और जो नैरेटिव है वो ये है कि
जैसे एक समय होता था कि कांग्रेस और एंटी कांग्रेस, कांग्रेस के विपक्ष में कौन खड़ा है, उसी तरह का नैरेटिव अभी है बीजेपी और एंटी बीजेपी। उस एंटी बीजेपी के जो पूरा गैलेक्सी ऑफ मतलब हम कहेंगे जो पार्टीज हैं उसमें किसकी क्या पोजीशन है। जैसे पहले भी था कि कुछ लोग भाई बीच में खड़े हैं, जो भी सेंटर में सरकार बनाएगा हम उसके साथ चले जाएंगे। कुछ लोग हैं कि शायद मन तो करता है कांग्रेस में जाने का, या कांग्रेस नहीं कहेंगे विपक्ष में जाने का, लेकिन भाई जाना पड़ेगा बीजेपी के साथ क्योंकि दूसरी समस्याएं हैं। तो वो पोजीशन मेरे ख्याल में नीतीश कुमार के इस वक्तव्य के बाद वो साफ करनी होगी हर विपक्षी पार्टी को कि वो किधर जा रहे हैं। अब सबसे मुश्किल काम इसमें क्या माना जा रहा है, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ममता जी से लेकर सबने बता दिया है छोटे से बड़े कि एक सीट पे बीजेपी के अगेंस्ट अगर विपक्ष का एक कॉमन कैंडिडेट होगा तो उसको हराना आसान होगा बीजेपी को। ये फॉर्मूला सब लोग बता चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे मुश्किल काम यही है कि एक बीजेपी के प्रत्याशी के सामने विपक्ष का एक कॉमन कैंडिडेट हो जाना। अब चूंकि इलेक्शन में 8-9 महीने रह गए हैं तो इस पर बात शुरू हो जानी चाहिए, कुछ तो एक टेंटेटिव सा खाका बन जाना चाहिए ना। और फिर बाद में ये भी हो जाना चाहिए भाई ये 10 सीट 20 सीट 100 सीट पे हम लोगों की कोई रजामंदी नहीं बन रही है। अच्छा, एक चीज़ और ये ध्यान देने वाली है कि राहुल गांधी ने भी, अगर आपको को अगर आपने देखा हो या सुना हो या पढ़ा हो, अमेरिका में जब उनसे किसी पत्रकार ने ये पूछा कि भाई ये बताइए आप जो अपोजिशन यूनिटी की बात है और सीट शेयरिंग को, तो आप दोनों का नहीं, वो सब हमारा है, कुछ समस्याएं हैं लेकिन हम उसको सेटल कर लेंगे। और उन्होंने उस समस्या को वहाँ जब उन्होंने ये भी बताया कि क्या समस्या, उन्होंने कहा भाई कहीं कहीं हम इन अपोजिशन पार्टीज से हम और वो डायरेक्ट लड़ते हैं इलेक्शन, तो उस जगह समस्या, लेकिन ये वो कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग विल सेटल इट, हम इसको सेटल कर लेंगे। मैं एक आपको, मैं कई बार इसको कह चुका हूँ लेकिन फिर एक बार याद दिलाने के लिए आपको बता दूँ कि इशू क्या है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने 190 सीट पे लड़ती, पिछले 2019 इलेक्शन में थी। 190 सीट का मतलब जहां पे कांग्रेस फर्स्ट या सेकंड, या बीजेपी फर्स्ट या सेकंड कांग्रेस के मुकाबले, 190 ऐसी सीट थी जिसमें से 175 सीट पे बीजेपी जीती थी, 15 सीट पे कांग्रेस जीती थी, लेकिन 175 सीट पे कांग्रेस सेकंड थी, एक ये समझ लीजिए। दूसरा 185 सीट पे बीजेपी और अदर पार्टीज, नॉट कांग्रेस, फर्स्ट या सेकंड पे थी। मतलब इन 185 में बीजेपी 128 सीट जीती थी, ऑपोजिशन पार्टी 57 जीती थी जिसमें सपा अपा ये सब लोग हैं, और इसमें सेकंड या फर्स्ट में बीजेपी और ये ऑपोजिशन, मतलब 128 अगर बीजेपी जीती तो 128 सीट्स पे कांग्रेस सेकंड नहीं थी, अदर देन कांग्रेस दूसरी विपक्ष की पार्टियां थी। तो 190 और 185 375 सीट हैं, और इन 375 सीट में बीजेपी की कुल सीट आई थी 303 सीट। तो बीजेपी का जो मेन है जहां पे फर्स्ट या सेकंड है वो ये 375 सीट हैं। अब सारा मेरे हिसाब से इसको कहते हैं सारा खेल, सारा इलेक्शन, सारा वो इसी पे कंसंट्रेट करेगा, क्योंकि ये 375 सीट में बीजेपी को कौन कितने कम सीट पर रोक सकता है, 2024 का चुनावी नतीजा उसी पर डिपेंड करेगा। अब उससे पहले एक और है, 4 राज्यों में आम लोकसभा चुनाव से पहले 4 या 5 राज्यों में फिर से एक बार चुनाव है। अब उसमें से 3 राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पे विपक्ष को अपनी स्थिति साफ, और विपक्ष का यहां पे इन 3 राज्यों में केवल बात हो रही है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को ये क्लियर करना होगा कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने कैंडिडेट खड़ा कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और बीजेपी की है। वहाँ पे इन 3 राज्यों में 2 राज्य में ऑलरेडी कांग्रेस सरकार में है, मध्य प्रदेश में उसने सरकार बनाई थी लेकिन बीजेपी ने उसकी सरकार गिरा दी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये देखना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी इसमें क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि लार्जर अगर आप क्वेश्चन देखिए 2024 का, तो जैसे 2024 के इलेक्शन में एक बड़ा नैरेटिव सेट हुआ
कर्नाटका इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस से लोगों को लगने लगा और एक लोगों में कॉन्फिडेंस हुआ, विपक्ष में कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं हम हरा सकते हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये ना केवल कांग्रेस के लिए, ये विपक्ष के लिए भी ये तीन राज्यों में चुनाव जीतना आवश्यक है अगर वो 2024 में बहुत गंभीर चुनौती के रूप में या बीजेपी को सत्ता से हटाने का कोई सपना देख रही है, तो उस सपने के लिए ये ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी हारे, और वहाँ बीजेपी हारने का मतलब कांग्रेस का जीतना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा क्वेश्चन जो सबसे पहले एड्रेस करना पड़ेगा वो आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ममता बनर्जी 22 सीट जीती हुई हैं, 18 सीट पे बीजेपी है, कांग्रेस 2 सीट पे है, वो एडजस्टमेंट मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होगी। अब इन सब चीज़ों में जो मुझे लग रहा है कि जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं उसमें दो लोगों का विपक्ष में धीरे 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 उनका रोल बढ़ता जा रहा है। एक रोल तो नीतीश कुमार का है, सबसे बड़ा बात यह है कि सबसे बात कर रहे हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं विपक्ष के हर नेता से, और उसका एक अच्छा पक्ष यह है कि ये नीतीश कुमार कोई मैनेजर नहीं है, बीजेपी के जो लोग ये काम करते हैं इधर उधर वो मैनेजर लोग होते हैं, उनके पास अपनी ना राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता तो नहीं कहेंगे लेकिन उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो निर्णय लें। नीतीश कुमार राजनीतिक व्यक्ति है तो वो जब इधर उधर लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो वो पॉलिटिकली किसी चीज़ को देखना थोड़ा ज़्यादा आसान है उनको निर्णय लेने में। और मैं एक चीज़ और आपकी याद के लिए बता दूं, नीतीश कुमार जब भी इतने साल से चीफ मिनिस्टर हैं, सेंटर में दो दो तीन तीन बार केंद्रीय मंत्री रहे, वो हर बार जिसको कहते हैं गठबंधन सरकार में ही मंत्री रहे, चाहे सेंटर हो चाहे यहाँ, वो गठबंधन सरकार चलाने के माहिर हैं, तो उनको कैसे चलाया जाता है इसमें वो सिद्धस्त हैं। तो एक तो वो इम्पोर्टेंट आदमी है और दूसरा एक इम्पोर्टेंट आदमी जो मोदी की लीडरशिप को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं वो अब धीरे धीरे उभर के राहुल गांधी हो जा रहे हैं। इसमें आज से 4 महीना पहले 6 महीना पहले ये स्थिति नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद कई उससे गुना बड़ा एक जंप मिला कर्नाटक, और अब राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है, जो ये सब गई है, और जितनी बेबाकी से वो बात और जितनी क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की इस पूरे चुनाव अभियान में नीतीश कुमार और राहुल गांधी का अहम रोल होने वाला है। ये पार्टी मीटिंग, अगर विपक्ष की पार्टी मीटिंग 23 को या जब भी महीने के अंत में हो जाती है, उसके बाद थोड़ा क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है ये भी एसेस करना विपक्ष को थोड़ा आसान हो जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई अभी हमें समय चाहिए, तो उसमें थोड़ा विपक्ष को ये सोचने के लिए भी आसान होगा कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हम पोस्ट पोल अलायंस की बात करें, प्री पोल में क्या करें, इत्यादि इत्यादि। तो ले देके विपक्षी एकता की जो नीतीश कुमार पहल कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि धीरे 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 उसमें और क्लैरिटी रोज बढ़ती जा रही है कि कौन कौन किस किस स्टेट में कैसे कैसे मोदी जी के बीजेपी को के सामने चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।